अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। नमस्कार, कैंसर भगाओ प्रोग्राम में आप लोगों सभी का स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर शशि बलियान, जो कि क्लियर मेडी हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। आज मैं आपसे डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में, जो हमारा डेली एपिसोड में कैंसर के बारे में ही बातचीत होती है। आज इनसे बात करेंगे कि आज इस विज्ञान में सभी बीमारियों के इलाज लगभग लगभग संभव है, लेकिन क्या इस आज की स्थिति में कैंसर के लिए भी क्या उसी तरह संभावनाएं हैं? जहाँ साहब, अगर आप यही प्रश्न मुझसे कुछ साल पहले पूछते तो मैं कहता कि इसका इलाज संभव तो है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी जो कारण है वो है कि आप कैंसर को कितनी जल्दी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो इसका इलाज पूरा पूरा संभव है, लेकिन लेटर स्टेजेस के अंदर अगर आपको कैंसर किसी को भी होता है, किसी भी मरीज को होता है, तो इसका इलाज पूरी तरीके से आज के दिन संभव नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीज़ें, चिकित्सा अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये कुछ सालों के बाद दिस विल बिकम लाइक अ नॉर्मल डिजीज़। जैसे हार्ट की बीमारी होती है, बाकी किडनी की बीमारी होती है, वो उन सब का इलाज संभव है। तो इसी तरीके से अगर हम ये अपनी जो मुहिम है कैंसर के खिलाफ, और जैसे कि समिता मेमोरियल फाउंडेशन और ये सब जो काम कर रही है कि कैंसर भगाओ, उसी हिसाब से अगर हम चलते रहे तो कुछ साल में कैंसर का पूरा इलाज संभव है। सर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर आजकल नंबर वन है, क्या इस पर हम लोग काबू पाने में सक्षम हैं? महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर के, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये इसके कारण क्या क्या हैं। जो कारण, एक तो जो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप डेटा देखेंगे, स्टैटिस्टिकली अगर आप देखेंगे, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ब्रेस्ट कैंसर वाज नंबर वन डिजीज़ इन वेमेन, लेकिन इंडिया के अंदर दिस वाज नॉट द नंबर वन डिजीज़। प्राइमरली इंडिया के अंदर सीए जो सर्विक्स जो था, दैट वाज द नंबर वन डिजीज़। और आज के दिन भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो शहरों और गाँव के अंदर जो डिफरेंस है, शहरों के अंदर कैंसर ब्रेस्ट इज मच मोर एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ देयर इन द स्मॉलर, जो छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, उनके अंदर जो कैंसर ब्रेस्ट है वो बहुत कम है इसके मुताबिक जो कि शहरों के अंदर है। उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है लाइफस्टाइल, जो आपकी लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन है, फिर उसके बाद जो स्तनपान है। स्तनपान शहरों के अंदर, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ये एक फैशन ट्रेंड सा बन गया है कि बच्चे होने के बाद स्तनपान या तो बिल्कुल नहीं कराते हैं या बहुत थोड़े टाइम के लिए कराते हैं। उसके कारण भी इसका एक ही जो कारण माना गया है कि अगर आप स्तनपान कराएंगे तो आपके ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, हो सकते हैं। तो इसीलिए लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, स्तनपान, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इवन हेरिडिटरी कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स के जिसके कारण ये कैंसर होता है। लेकिन आज के दिन ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर हम इसको जल्दी इसको पकड़ लें तो हम इसको पूरी तरीके से, पूर्णतः हम इसको ठीक कर सकते हैं। सर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं जो महिलाओं को कराना चाहिए, इस पर कुछ आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को? ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो मेन जो टेस्ट है उसको बोलते हैं सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि कोई भी महिला अपने स्तन को, ये एक वो है कि हर महीने आपको एक बारी अपने स्तन की पूरी जांच करनी है। उसमें ये देखना है कि कोई आपके स्तन में कोई गांठ या कोई लंप तो नहीं है,
या कोई किसी तरीके का जो निपल के अंदर कहीं से कोई डिस्चार्ज या कुछ तो नहीं निकल रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हर महिला अपने स्तन की एक महीने में एक बारी जांच जरूर करें। और अगर उन्हें कुछ भी लगता है कि कोई गांठ है, ऑल्दो ऑलमोस्ट 80% जो गांठें हैं वो कैंसर के लिए नहीं होती हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो घबराएं इस कारण, लेकिन इसको सीरियसली लें। एक बारी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई गांठ है तो उसकी जांच जरूर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं। उसके बाद साल में एक बारी मेमोग्राफी एक टेस्ट होता है, एक इट्स लाइक एन एक्सरे विच इज़ देयर फॉर दी ब्रेस्ट ओनली, तो उसको साल में एक बारी जरूर कराएं। मेमोग्राफी के अलावा एक और अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ यूज फॉर द स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अगर आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मेमोग्राफी, मैं इतने साल इंग्लैंड में रहा, वहाँ पर मैंडेटरी है कि इतने इतने टाइम के बाद आपको मेमोग्राफी टेस्ट कराना ज़रूरी है, और उसके कारण वहाँ पर जो कैंसर ब्रेस्ट का जो ओवरऑल जो इंसिडेंस है दैट हैज़ कम डाउन, और बहुत जल्दी उसको पकड़ा जा पा रहा है, और उसी के कारण जो डेथ्स हैं कैंसर ब्रेस्ट के कारण वो बहुत कम हो पा रही हैं। हिंदुस्तान को भी उसी रास्ते में जाना ही है, जब तक अगर वो नहीं जाएंगे तो हिंदुस्तान में जो कैंसर ब्रेस्ट के कारण जो डेथ्स हो रही हैं वो ऐसे ही बढ़ेंगी। और एक और जो इसमें मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कई बारी पेशेंट को ये लगता है कि शुरू में जाँच के लिए अगर उनमें कोई लंप या कुछ वो पाया गया है तो उसके अंदर एक सुई से एक जांच होती है, और एक ये कुछ मरीजों में एक हिंदुस्तान में एक भ्रांति है कि अगर सुई डालेंगे तो वो कैंसर फैल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार मैं इस चीज़ के ऊपर मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा कि सुई की जांच से कैंसर नहीं फैलता है, तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि सुई की जाँच से कैंसर नहीं फैलता है, आपके इलाज के लिए वो बहुत ज़रूरी है ताकि उसको एक बारी सैंपल लेकर उसका टेस्ट किया जा सके कि वो किस टाइप का की गांठ है, और उसके बाद उसका जो भी इलाज करना है उसका इलाज संभव हो सकेगा। सर, कैंसर के रोकथाम के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है हमारे ख्याल से, और हम लोग जो पिछले विगत 3 वर्षों से करते आ रहे हैं टीवी के माध्यम से, मैगजीन से, तो इस पे आपका क्या कहना है कि जागरूकता या अवेयरनेस जो पब्लिक का है उसको किस तरह रुझान हो, किस तरह लोग और जागरूक हो, इसमें आप कुछ अपना सहयोग यदि बताएं। हम अपने अस्पतालों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हर महीने कुछ ना कुछ कैंप करते हैं, या फिर जो पेशेंट्स जो सक्सेसफुली हमारे अस्पतालों में जिनका सफलतापूर्ण इलाज हुआ है उनको बुलाते हैं, उनको जो वहाँ पर अभी दूसरे पेशेंट्स का जो इलाज चल रहा है उनको हम उनसे मिलवाते हैं। पेशेंट ग्रुप्स हमने बनवाए हुए हैं कि ताकि पेशेंट को एक ये कॉन्फिडेंस रहे कि देखो आपके सामने ये एक मरीज था जो पहले कैंसर से पीड़ित था और आज के दिन वो बिल्कुल पूर्णतः सही नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। और दूसरा जो मुझे जो लगता है और जो आजकल इंडिया में हो भी रहा है कि जैसे युवराज सिंह, लीजा रे, मनीषा कोइराला, जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इसके अंदर और ज़्यादा एक रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि उनका एक मैसेज एकदम हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास जाता है, और दे बिकम द रोल मॉडल्स ऑफ द सोसाइटी कि देखो उनको भी कैंसर था और वो आज के दिन अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। हमारा भी एक छोटा सा इसके अंदर, हम हर महीने जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये करते हैं अपने पूरे अस्पतालों के अंदर और कैंप चलाते हैं, अपने हॉस्पिटल के अंदर चलाते हैं और बाकी बाहर भी हम हर महीने कुछ ना कुछ कैंप चलाते रहते हैं ताकि इस अवेयरनेस को हम बढ़ा सकें। कैंसर से बचने के लिए जागरूकता ही एक अच्छा हथियार है, और आप सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग भी जागरूक हों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, समय समय पर अपनी जाँच कराते रहें तो आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय इसी चैनल पे। कैंसर भगाओ के इस अभियान में आप भी सहयोगी बन सकते हैं। आपका एक छोटा सा डोनेशन किसी भी कैंसर पीड़ित के लिए जीवन दायिनी बन सकता है। अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो हमारा बैंक डिटेल्स है। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
B1/32 ग्राउंड फ्लोर जनकपुरी। हमारा अकाउंट नंबर है 6232393260। हमारा IFSC कोड है SBIN00212750। अगर आपको इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9891189030। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है cancerbhagao@gmail.com। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ।